सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाने को और मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ कीमा भाजी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसको बनाने के लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत होती है, इजीली इसको बनाया जा सकता है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg मेथी की भाजी लिया था, इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया। इसके बाद इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। 300 ग्राम मटन का कीमा है मेरे पास, इसको बॉईल कर लिया है मैंने। अब जो अच्छे से बॉईल हो चुका है, 1.5 टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन है, 1.5 टेबल स्पून अदरक है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून नमक है, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 4 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च है मेरे पास। अब मैं इसके लिए गैस ऑन कर लेती हूँ। गैस ऑन करके मैंने इस पे पैन रख दिया है। पैन में 4 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल यहाँ थोड़ा ज्यादा लूंगी मैं, इससे भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं तेल को पूरी तरह गर्म होने दूंगी, गैस की फ्लेम को हाई रखा है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले मैं अदरक डाल दूंगी। लहसुन में डाल देती हूँ। अब गैस की फ्लेम को मैं मीडियम कर लूंगी और इसको 1 मिनट फ्राई करूंगी। 1 मिनट के बाद इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देती हूँ। हरी मिर्ची हम अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा ज्यादा हरी मिर्ची लिया है, इसको मैं थोड़ी चटपटी बनाऊंगी मेथी की भाजी को। अब इसको भी मैं 1-2 मिनट लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लूंगी। लहसुन अदरक हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसमें कीमा डाल देती हूँ मैं। इसको भी भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और 3-4 मिनट अब इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। कीमा को मैंने नमक डाल के बॉईल किया था, इसलिए भाजी बनाते समय नमक का थोड़ा ध्यान रखें। कीमा अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें मेथी की भाजी डालती हूँ। भाजी डालने के बाद नमक भी डाल देती हूँ। अब इसको धीरे धीरे करके मिक्स करते जाएंगे, जैसे जैसे जब पकते जाएगी कम होते जाएगी, आराम से मिक्स हो जाएगी। फिर भाजी को मैं ढक्कन नहीं पकाऊंगी, इसे खुला ही पकाना है। कीमा पहले से बॉईल हो चुका है, पूरी तरह पक चुका था। भाजी और कीमा पूरी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर देती हूँ और भाजी को गलने तक पकाऊंगी। जब ये पूरी तरह गल जाएगी इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे करके भून लेंगे अच्छे से। अब मैं थोड़ी देर भाजी को गलने देती हूँ, यहाँ ढकूंगी नहीं भाजी को, बिना ढके ही पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, भाजी अच्छे से गल चुकी है। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और इसको 3-4 मिनट चलाते हुए लगातार भूनते रहूंगी मैं। कीमा और भाजी अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइए, बहुत टेस्टी भाजी बनती है इस तरह से अगर हम इसको बनाएं तो। इसको हम सफर में भी ले जा सकते हैं, साइड डिश के रूप में भी रख सकते हैं, या फिर रोटी पराठे पूड़ी के साथ भी इस कीमा भाजी को हम खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।